हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन और आज आप देख रहे हैं हमारा खास शो जो आपकी फिल्म जगत और एंटरटेनमेंट की खबरों से गुदगुदाने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है। तो आज एक एपिसोड में हम फिर एक बार लेके आए हैं एंटरटेनमेंट का तगड़ा डोज। बात करेंगे बिग बॉस ओटीटी 3 की। वैसे तो बिग बॉस ओटीटी 3 में इस बार काफ़ी लड़ाइयाँ देखने को मिल रही हैं, किसी का मजाक बनाने पर तो कभी किसी का खाने पर, लेकिन इस बार हुई है लड़ाई भाभी पर जिनमें थप्पड़ भी बच चुका है। बिग बॉस ओटीटी 3 के घर में माहौल इस वक्त काफ़ी गरमाया हुआ है। बीते दिनों वीकेंड के वार पर कृतिका मलिक पर कमेंट करने को लेकर पहले पायल मलिक ने विशाल पांडे पर जमकर लताड़ा, उसके बाद अरमान मलिक को विशाल पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने बिना उसकी बात सुने थप्पड़ जड़ दिया। इस बात को लेकर ना सिर्फ फैंस बल्कि विशाल की फैमिली और स्टार्स में भी काफ़ी गुस्सा भरा हुआ है। हर कोई अरमान मलिक को शो से बाहर करने की मांग कर रहा है। इसी बीच अब एक ऐसा सच सामने आया है जिसे ना जाने किसने बताया है। इसके बाद भी लोग हैरान हैं और आप भी हैरान हो जाएंगे ये सुन के कि कौन है सबके पीछे। इस सबके पीछे कहीं ना कहीं विशाल के दोस्त लवकेश कटारिया का हाथ है। आइए पहले वीडियो दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे हुआ ये सब। फिर मैंने कहा क्या बात होगी, साढ़े पेट में दर्द, जल्दी बता। तूने मेरे कान में कही थी कि मुझे भाभी बहुत अच्छी लगती है। अच्छे लगते हैं। अच्छी बात बताओ भाई। नहीं नहीं इस पोस्ट में बिग बॉस 18 लाइव की रिपोर्ट के अनुसार विशाल पांडे के बेस्ट फ्रेंड यानी लवकेश कटारिया ने अरमान मलिक से कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनने के बाद उन्हें इतना गुस्सा आया कि वो अपना आपा खो बैठे। लवकेश कटारिया ने अरमान से कहा था कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो थप्पड़ जड़ देता, और ये बात अरमान के दिमाग में घुस गई और उसके बाद उन्होंने बिना कुछ सोचे विशाल को थप्पड़ जड़ दिया। ये बात साफ है कि विशाल इस पूरे मामले को लेकर पीछे कहीं ना कहीं कटारिया का हाथ बताया जा रहा है। एक तरफ वो विशाल को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताते हैं तो वहीं दूसरी तरफ उसके लिए स्टैंड तो लेना दूर बल्कि उसे ही उन्होंने परेशानियों में फंसा दिया। इसी के बाद अरमान ने विशाल को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। लवकेश के थप्पड़ वाली बात कहने से पहले अरमान इतना नहीं भड़के थे, लेकिन उनकी ये बात सुनकर वो थोड़ा भड़क गए और अब सोशल मीडिया पर लवकेश को एक दोस्त के रूप में सांप बताया जा रहा है। हर तरफ सोशल मीडिया पर लवकेश और पायल के खिलाफ लोग जमकर बातें लिख रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको पायल का वो वीडियो जिसमें वो ट्रोलिंग का जवाब देती हुई नजर आ रही है। मुझे सिर्फ आप लोग इतना बता दो, अगर अपनी फैमिली का स्टैंड लेना गलत है तो ठीक है, मैं आगे से स्टैंड ले लूंगी मेरी फैमिली के लिए। मुझे गलत लगा कि वो गोलू के लिए ऐसे बोला तो मैंने वहाँ पे जाके बोल दिया मैंने क्या गलत किया। और साथ ही साथ मैंने शिवानी से सिर्फ जाके ये पूछा कि शिवानी हमने तेरे डिसरिस्पेक्ट कब करी, सिर्फ इतना बता दे वो गलत था तो मुझे बोलो। आप लोग गाइस, आप लोग इतना हेट दे रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा अगर आपकी फैमिली के लिए कोई बोलेगा तो क्या आप स्टैंड नहीं लोगे, मेरी गलती क्या है, मुझे सिर्फ इतना बता दो। बीते दिनों बिग बॉस ओटीटी से एक और कंटेस्टेंट का सफर खत्म हो गया। शो से टैरो कार्ड रीडर मुनीषा खाटवानी को बेघर कर दिया गया। मुनीषा से पहले नीरज गोयत, पायल मलिक और पौलमी दास शो से बाहर जा चुके हैं। ऐसे में अब घर में सना मकबूल, सई केतन, अरमान मलिक, कृतिका मलिक, शिवानी कुमारी, सना सुल्तान, दीपक चौरसिया, चंद्रका दीक्षित, विशाल पांडे, लव कटारिया और रैपर नाजी बचे हैं। इन्हें मिला के कुल 12 कंटेस्टेंट अभी बिग बॉस के घर में हैं जिनके बीच कांटे की टक्कर है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।